हेलो हेलो, हाय, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ये वाला मेकअप लुक, जिसे मैंने नाइट पार्टी मेकअप लुक के तौर पे क्रिएट किया है। मतलब इस मेकअप में मैंने ज़्यादातर ग्लिटरी और शिमरी चीज़ों को यूज़ किया है, जो कि रात के टाइम पे अगर आप किसी पार्टी फंक्शन के लिए करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आई होप कि आपको जो ये मेरा लुक है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मेकअप स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज आपको अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लिया है। इसके बाद में मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे ब्लू हेवन का रोज़ वाटर। अप्लाई करने से आपके जो स्किन के ओपन पोर्स होते हैं वो धीरे धीरे करके मिनिमाइज हो जाते हैं, और साथ में आपकी जो स्किन का पीएच लेवल होता है वो अच्छा रहता है। इसके बाद में मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर गुड वाइब्स का इल्यूमिनेटिंग फेस क्रीम, जो कि आपके फेस को बहुत अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज कर देता है और मेकअप के लिए रेडी कर देता है। इसके बाद में मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे बेबी चक्र का लिप बाम लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए, और उसके बाद में प्राइमर अप्लाई किया है ब्लू हेवन का। प्राइमर अप्लाई करने से आपके जो स्किन के ओपन पोर्स होते हैं वो ब्लर आउट हो जाते हैं, जिससे आपका मेकअप जो है वो लंबे समय तक टिकता है। इसके बाद में मैंने लैक्मे का फाउंडेशन लिया है, और उसमें मैंने हल्का सा ग्लिटर को मैंने ऐड किया है। ग्लिटर और फाउंडेशन को अच्छे से मिक्स करके पूरे फेस पे मैंने अप्लाई कर लिया है, और ये कफ्स एंड लैशेस का फाउंडेशन ब्रश है, उससे मैं अपने पूरे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ओके, सो यहाँ पे मेरा फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड हो चुका है। इसके बाद में मैंने मेबलिन का कॉम्पैक्ट लिया है और उसे अपने पूरे फेस को सेट कर लिया है, क्योंकि फाउंडेशन और पाउडर अप्लाई करने से जो पूरा फेस होता है ना बिल्कुल प्लेन हो जाता है, वाइट हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने फेस को स्ट्रक्चर देने के लिए यहाँ पे मैं मास कॉस्मेटिक का फेस पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से मैंने ये कॉन्टोर अप्लाई किया है अपने फेस को डायमेंशन देने के लिए। उसके बाद सेम पैलेट से ही मैंने ब्लश अप्लाई किया है और हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। हाइलाइटर फेस के जितने भी हाई पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, फोर हेड, चिन एरिया, वहाँ पे अप्लाई करना होता है, ताकि जो आपका क्या बोलेंगे हाइलाइटेड फीचर्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे से इन्हांस होके आपको दिख सके। मतलब कि रात के फंक्शन में जब भी लाइट सामने से पड़ेगा ना, तो आपके जितने भी हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से हाईलाइट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैंने शाय स्टाइल का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है, और उसके बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप। फ्लावर मैजिक का जेल आई लाइनर ब्राउन शेड कर लिया, उसे अपनी ब्राउज को मैंने अच्छे से डिफाइन कर लिया है। इसके बाद में मैं जब भी आई मेकअप करूँगी मैं अपने फेस को बहुत अच्छे से मतलब थोड़ा सा जूम कर लूँगी, ताकि आप थोड़ा नज़दीक से देख सकें जो आई मेकअप मैं कर रही हूँ। तो हिलारी होडा का 16 कलर आई शेडो पैलेट लिया है, उसमें से मैंने हल्का मतलब लाइट लैवेंडर और पर्पल कलर को मिक्स करके मैंने ये अपना क्रीज बिल्ड कर लिया है। जो मतलब आँखों का जो क्रीज होता है उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड करते हुए, इसके बाद में मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन सा शेड लिया, मतलब डार्क ब्राउन लिया है, उसको आउट ऑफ वी पे मैंने प्लेस करके ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे कफ्स एंड लैशेस का डांसिंग इन द रेन का एक पैलेट है, जिसमें ब्लू के सारे शेड्स हैं, उसमें से पहले मैंने डार्क ब्लू लिया और उसको डार्क ब्राउन के साथ में मर्ज कर दिया है हल्का हल्का सा। उसके बाद में हल्का सा लाइट शेड लिया है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं ब्लू वाला, और उसको मैंने डार्क ब्लू के साथ में मर्ज करते हुए आगे तक ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद में जो मेरा इनर वी है उस पर मैंने ये टर्कोइज कलर लिया है, और एक ब्रश की हेल्प से क्रीज की तरह शेप देते हुए मतलब मैंने उसको प्लेस किया है, और फिर आपस में सारे कलर्स को ब्लेंड कर लिया है। अभी इन सारे कलर्स को मैंने आपस में अच्छे से मर्ज कर लिया है, जो कि देखने में एक अच्छा सा ट्रांजिशन लग रहा है। एक के साथ सारे कलर्स जो हैं वो मिक्स मैच हो रहे हैं। इसके बाद में क्या किया है, थोड़ा और मैंने अपने आई मेकअप को इन्हेंस करने के लिए ग्लिटर आई लाइनर लिया है, और उसको इस तरीके से मैंने कट क्रीज की तरह ड्रॉ कर लिया है, ताकि सामने से कट क्रीज का इफेक्ट आए, और जब लाइट सामने से पड़ेगी ना तो आपका जो आई मेकअप है और ज़्यादा इन्हेंस होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे छोटी सी बिंदी अप्लाई की है, ये मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया है, और ये हुआ मेरा मेकअप लुक कंप्लीट। आई होप कि आपको जो मेरा ये लुक है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।